भोपाल में बिजली कर्मचारियों पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। बकाया बिल होने के चलते आए दिन बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लगातार गुंडागर्दी और बदतमीजी करने के आरोप लग रहे हैं। ताजे मामले में राजधानी के बाग उमराव दुल्हा में बिजली विभाग की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। इसके बाद रहवासियों में बिजली विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश पनप रहा है। भोपाल में आपने गुंडे बदमाशों का आतंक होने के कई वाक्य सुने होंगे, मगर जिस मामले से हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं वह सुनने के बाद आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगा। बिजली विभाग घरों में उजाला करने के लिए जाना जाता है, क्या आपने सोचा है वहीं विभाग किसी के घर का चिराग भी बुझा सकता है। जी हाँ, भोपाल में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी गुंडागर्दी से एक महिला की जान चली गई। बिजली बिल जमा नहीं करने पर इन कर्मचारियों ने एक महिला को धमकाया, जिससे उस महिला की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। परिजनों ने इसकी शिकायत ऐशबाग थाने में की है। इसमें जो आवेदन प्राप्त हुआ है और जो परिजनों द्वारा इसमें आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच की जाएगी। जांच में अगर ये पाया जाता है कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी। एक तो जावर था और एक शाहिद था जी। यही उन्होंने बिल देखा, बिल देख के कहने इतना बिल आ गया 22,000 का, आप लोग जमा नहीं कर रहे हो, लाइट कटेगी आपकी, खंभे पे चढ़े और लाइट काट दी। उनसे मना भी करा मत काटो, दो एक दो समय दो, तो कहना नहीं, कहना अगर आपने तार डाले तो 50,000 का जुर्माना लग जाएगा। हाँ उन्होंने कि और आज की तारीख में 10,000 जमा करो, नहीं तो नहीं। घटना को लेकर फिर क्या हुआ? घटना को लेकर कपड़े धो रही थी, सर में दर्द उठा उनके यहाँ दिमाग में, और बस उन्होंने हाथ पांव डाल दिए और होश ही नहीं आया। हॉस्पिटल लगाए थे ना, क्या हुआ वहाँ से? बस ऐसी आ गई डेड बॉडी। इनके साथ हादसा ये हुआ है कि वो बिजली के बिल के जो पैसे में से के थे, तो उन्हें बोला भी कि हमें ना दो एक दिन के लिए मोहलत दे दो, हम कर देंगे जमा, मगर नहीं, वो लाइट काट के चले गए। उनको यही टेंशन लगा, वो जाके अंदर गिरी तो पता नहीं, अब फिर मैं तो चली गई थी, इसके बाद फिर मैंने देखा नहीं। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी भी भाजपा पर हावी हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने भोपाल के बाग उमराव दुल्हा पहुंचकर मृतक महिला के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद देने की बात कही है। उन्होंने बिजली विभाग पर प्रताड़ना से महिला की जान लेने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निंदा की है। देखिए, सबसे बड़ा विषय यह है कि यहाँ पर बिना नोटिस के बिजली की लाइन काट के प्रताड़ित करके एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसी गली के अंदर इनके घर के सामने जो खंभा है वहाँ निरंतर आग लग रही है, टेढ़ा आड़ा खंभा, कोई मेंटेनेंस नहीं है। जिस क्षेत्र में मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर आग लग रही है बार बार, लोगों की जान जा सकती है, वहाँ अब ये खुद अपने प्रताड़ना से लोगों की जान ले रहा है। ये अन्याय है, घोर अन्याय है, निंदनीय है। शिवराज सरकार को इसके ऊपर देख रखना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर वो इस तरह से चलेंगे तो जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये सब के सब प्रताड़ित हैं, और जिस गली के अंदर आप इतना प्रताड़ित कर चुके, जिस क्षेत्र में इतना प्रताड़ित कर चुके, इस क्षेत्र के विधायक माननीय मंत्री भी हैं, उनको भी रोज देखना चाहिए कि क्या हो रहा है उनकी जनता के साथ। पीड़ित पक्ष ने मुख्यमंत्री से भी इंसाफ की गुहार लगाई है, वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब देखना है यह मामला क्या मोड़ लेता है। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।